गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.5 व्हिच इज बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। हियर वी हैव टेकन द टू पार्ट्स, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट। Hx is equal to sin x plus cos x, it is cos x, and x lies between 0 to pi by 2, that is in first quadrant. So for maxima or minima, we first find h dash x, that is cos x minus sin x. Now to find the critical point, we put h dash x equal to 0. This implies when we put it equal to 0, you will get sin x equal to cos x. Divide by cos x, you will get 10x equal to 1. And 10x 1 kab hota hai? Jab x pi by 4 hota hai. So x equal to pi by 4. And this pi by 4 lies in the given interval, that is 0 to pi by 2. Now find h double dash x. H double dash x will be minus sin x minus cos x. Minus can be taken common, sin x plus cos x. Now find the value of h डबल डैश एक्स एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि कल आपको समझाया था कि हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं। पहले एच डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, देन पुट इट इक्वल टू जीरो टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव को चेक करते हैं वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। सो वी हैव पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, और पाई बाय फोर पे साइन और कॉस दोनों वन बाय रूट टू होते हैं, तो दोनों की वैल्यू यहाँ वन बाय रूट टू आ गई। देन एलसीएम लेंगे तो टू बाय रूट टू, दैट इज डिवाइड करेंगे तो माइनस रूट टू। नेगेटिव आया है, नेगेटिव मीन्स लेस देन ज़ीरो, और जब डबल डेरीवेटिव किसी पॉइंट पर लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब वो पॉइंट हमारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा। सो x इक्वल टू पाई बाय फोर इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, तो आप गिवन जो फंक्शन था हमारा साइन x प्लस कॉस x, उसमें x को पाई बाय फोर रख के फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो h पाई बाय फोर इज इक्वल टू साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर, दैट इज रूट टू। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ द फिफ्थ पार्ट। यहाँ एफ एक्स फंक्शन गिवन है एज ए पॉलिनोमियल, तो आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। नाउ पुट दिस इक्वल टू जीरो, व्हेन यू पुट इट इक्वल टू जीरो यू कैन टेक 3 कॉमन, देन इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये माइनस 3 और माइनस 1 में स्प्लिट हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट द फैक्टर्स एज 3x माइनस 1 x माइनस 3। Now from this you get x equal to 1, and from this factor you get x equal to 3. So we got two critical points. Now find f double dash x. तो यहाँ से 6x हो गया minus 12. 6 common आ गया, x minus 12. अब इस double derivative की value इन दोनों points पर find out करेंगे। तो f double dash 1 हो गया आपके पास minus 6 less than 0, और less than 0 का मतलब ये जो point है 1, ये point of maximum हो गया। 3 रखेंगे तो आपके पास 6 आ गया जो पॉजिटिव है, और f डबल डैश जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब वो पॉइंट हमारा 3 जो पॉइंट है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो x इक्वल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, गिवन फंक्शन में x की जगह 1 रख देंगे गिवन फंक्शन में, एंड दैट इज 19। इसी तरह से 3 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन फंक्शन था उसमें x को 3 से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यू विल गेट एफ डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स। अब पुट इट इक्वल टू जीरो, देन ई एक्स इक्वल टू जीरो, पर ई एक्स का क्या है, ई एक्स से एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, इट इज़ नेवर ज़ीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। सो इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, और जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब इसका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट
नहीं करेगा। सेकेंड इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एच डैश एक्स निकाला, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया प्लस वन, पुट इट इक्वल टू ज़ीरो, पुट इट इक्वल टू ज़ीरो, इसको आप निकालिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए से फाइंड आउट करिए, तो आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा बी स्क्वायर मतलब फोर माइनस फोर ए सी मतलब फोर माइनस ट्वेल्व मतलब अंडर रूट माइनस एट आएगा और एट के फैक्टर हो गए टू रूट टू और क्योंकि माइनस है तो हम उसे आई सिर अंडर रूट में माइनस है तो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय रूट माइनस वन बाय आई बाय सिक्स और ये दोनों ही फैक्टर्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं और विच डज नॉट बिलोंग्स टू आर क्योंकि इसका डोमेन जब कुछ स्पेसिफाई नहीं होता फंक्शन का तो इट मीन्स इट्स डोमेन इज आर लेकिन जो हमारा ये रूट्स क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू आर सच दैट एच डैश सी इज इक्वल टू जीरो सो द फंक्शन हैज डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। नेक्स्ट इज फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा जब आपको क्लोज्ड इंटरवल देंगे वो देन इट वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात करता है वहाँ वही पूछेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा और उस केस में हमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल केवल क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल पॉइंट्स पर एंड पॉइंट्स पर तो यहाँ डबल डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में। तो यहाँ फंक्शन था हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सो एफ डैश एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पुट इट इक्वल टू ज़ीरो यू गेट साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड देन डिवाइड बाय कॉस एक्स यू गेट टेन एक्स इक्वल टू वन सो एक्स इक्वल टू फाइव बाय फोर। अब हम फंक्शन की वैल्यू इस फाइव बाय फोर पे और एंड पॉइंट्स पर निकालेंगे अब हमें डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं होती एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में। तो यहाँ पर हमने फाइव बाय फोर पे फंक्शन की वैल्यू निकाली दैट इज़ रूट टू ज़ीरो पे निकाली और पाई पे निकाली गिवन फंक्शन में ज़ीरो और पाई रख के ज़ीरो पे निकाली तो वन आ गया पाई साइन पाई ज़ीरो होता है कॉस पाई माइनस वन होता है सो इट इज़ माइनस वन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है फाइव बाय फोर पे और मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है पाई पर सो मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट फाइव बाय फोर एंड मिनिमम वैल्यू अकर्स एट फाइव एंड मिनिमम वैल्यू है क्या माइनस वन है मिनिमम वैल्यू। सेकेंड पार्ट द गिवन फंक्शन इज दिस तो डिफरेंशिएट करेंगे टू एक्स माइनस वन आ गया पुट इट इक्वल टू जीरो टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स फ्रॉम हेयर यू गेट एक्स इक्वल टू वन तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया है और एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए थे माइनस थ्री और वन तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वन पर फंक्शन की वैल्यू थ्री आ रही है माइनस थ्री पे नाइनटीन आ रही है और वन पर फंक्शन क्या होगा वन पे थ्री आ जाएगा वन पर फंक्शन की वैल्यू थ्री आ रही है और ये वन इसी से कोइंसाइड कर रहा है जो इसका गिवन इंटरवल था इस वाले वन से तो दोनों पर सेम आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू 19 है एट माइनस थ्री और मिनिमम वैल्यू 3 है एट 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ यू कैन कंप्लीट इट अप टू क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।